राहुल गांधी कुछ ही देर में लोकसभा आ सकते हैं, हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी सदस्यता बहाल हो गई है, अब आपको क्या लगता है? हम सब इंतजार कर रहे थे, स्वागत करते हैं इस नोटिफिकेशन का। हालांकि इसे शनिवार को ही हो जाना चाहिए था युद्ध स्तर पर, लेकिन जिस युद्ध स्तर पर सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन हुआ था, उतना युद्ध स्तर पर बहाली का नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला था तो करना ही था। हम सब इंतजार कर रहे हैं, राहुल जी आए, देश उन्हें सुनना चाहता है। संसद में सरकार के लोग भी पशोपेश में हैं कि राहुल जी आएंगे तो क्या बोलेंगे। कर्मचारियों में जिज्ञासा है, सब इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का। हम सब बहुत खुश हैं, कांग्रेस का एक एक सांसद बहुत खुश है। ऐतिहासिक लम्हा है, जब जैसे कि प्रियंका गांधी का भी पास बन रहा है, आपको लगता है कि इस ऐतिहासिक लम्हे को प्रियंका गांधी खुद भी देखना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, उन्हें रखना चाहिए क्योंकि देश उन्हें सुनना चाहता है। वो मणिपुर पर भी बोले, वो महंगाई पर बोले, वो भ्रष्टाचार पर बोले, हरियाणा पर बोले, पूरे देश में जो नफरत का केरोसिन छिड़का है सरकार ने, उस पर जरूर बोले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।